बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम आज पॉइंटिंग डिवाइसेस के जो रिमेनिंग डिवाइसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है उनका कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हमारे जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनमें नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है। आप में से बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली गेम्स वगैरह खेलते होंगे और आपने इन डिवाइसेस को उसमें यूज़ भी किया होगा। ये बेसिकली गेम कंट्रोलर डिवाइस है, तो इसको भी हम पॉइंटिंग डिवाइसेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये दो पार्ट पर मुश्तमिल होती है, आप देख सकते हैं इसमें दो मेन पार्ट हैं इसके। एक इसमें बेस है और एक इसमें जो है इसकी स्टिक है जिसको हम हैंडल बोलते हैं। बेसिकली हैंडल जो है वो स्क्रीन पर जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसकी मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसको माउस के मुतबादल इस्तेमाल करेंगे तो माउस जो है उसके मुतबादल जो हैंडल जो है, क्योंकि हम माउस को सरफेस पे मूव कर रहे होते हैं ताकि एरो की मूवमेंट कंट्रोल हो, तो अगर हम जॉयस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो हम फिर स्टिक को मूव करेंगे जो एनी डायरेक्शन यूज़ होती है, मूव होती है, और वो एरो की मूवमेंट कंट्रोल करती है। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स बेस एंड स्टिक। स्टिक मूव एनी डायरेक्शन टू मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन। इट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन टू अ माउस या ट्रैक बॉल। बिल्कुल ये वही फंक्शन परफॉर्म करेगी जो माउस या ट्रैक बॉल डिवाइसेस परफॉर्म करती हैं। बट इट कंसीडर लेस कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है वो ये है कि ये बाकी डिवाइसेस के मुकाबले में जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि ये लेस कंफर्टेबल है और एफिशिएंट है। क्यों है? क्योंकि यूज़र जो है अगर वो ज़्यादा देर जो है इसको मूव करेगा तो उसकी जो हैंड है में भी उसमें कोई जो है वो पेन हो सकती है ज़्यादा यूज़ करने से। इसलिए इसको जो है ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता कि इसको मतलब पॉइंटिंग डिवाइस में यूज़ किया जाए, लेकिन यूज़ किया जाता है बराबर। नेक्स्ट जो है हमारे पास पेन बेस्ड सिस्टम है। पेन बेस्ड सिस्टम भी पॉइंटिंग डिवाइसिस में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इसको जो है कंसिडर किया जाता है। इसमें डाटा एंटर करने के लिए पेन लाइक डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसको हम स्टाइलस कहते हैं। पेन बेस्ड सिस्टम इज़ यूज्ड टू एंटर हैंड राइटिंग एंड मार्क इन कंप्यूटर यूजिंग पेन लाइक डिवाइस। दिस इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलस। यूजर राइट वर्ड एंड सिंबल ऑन स्क्रीन। यूज़र जो है पेन की मदद से स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ वर्ड जो है वो लिखता है। दिस सिस्टम यूज़ हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें जो मेन कंसेप्ट है पेन बेस्ड सिस्टम में वो ये है कि इसमें यूज़र जो है पेन से जो भी लाइन या जो भी वो फिक्रा लिखेगा या करेक्टर लिखेगा उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट हैंड रिटन करेक्टर्स इन टू फॉर्म डेट कैन बी स्टोर एंड प्रोसेस बाई कंप्यूटर। तो यूज़र जो भी करेक्टर लिखेगा वो सॉफ्टवेयर उस करेक्टर्स को ट्रांसलेट करेगा और स्टोर कर देगा कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में। मैनी हैंड हेल्ड कंप्यूटर हैव पेन इनपुट। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स में ऐसी डिवाइसेस हैं जो पेन इनपुट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। नॉर्मली यूज टू इनपुट सिग्नेचर या मैसेज डेट आर स्टोर एज इमेज। तो आमतौर पर पेन बेस्ड सिस्टम का ये काम है कि हम कोई सिग्नेचर या कोई मैसेज वगैरह हम लिखना चाहते हैं तो हम उसको उसमें लिखकर उसको स्टोर करवा सकते हैं एज इमेज के तौर पर। तो नेक्स्ट इसकी जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है एक पेन बेस्ड सिस्टम है, यूज़र के हाथ में पेन है और ये स्क्रीन है, इसके अंदर हैंड रिटन रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है। यूज़र जो है वो डिफरेंट किस्म के साइन भी कर रहा है, सिग्नेचर वगैरह अपने कर रहा है या कोई वो करेक्टर वगैरह लिख रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर उसको क्या कर रहा है जनाब, रिकॉग्नाइज करके उसको इस एज इट की फॉर्म में ही दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो ये पेन बेस्ड सिस्टम था पॉइंटिंग डिवाइसेस, और ये लास्ट टॉपिक था पॉइंटिंग डिवाइसेस का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिवाइसेस जो है समझ आ गई होंगी। अभी इसमें कंसेप्ट, अभी इसमें नेक्स्ट स्लाइड जो है वो अभी मैंने शुरू करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड इसमें मैंने ऐड की हुई है सोर्स डाटा एंटी डिवाइसेस की। तो
जो पिछला पॉइंटेड वॉइसेस थी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि ये लॉन्ग के तौर पे भी सवाल आ सकता है और ये जो है सेपरेट जो है दो दो नंबर का सवाल भी पेपर में जो है वो आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है सोर्स डाटा एंटर डिवाइसेस, स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस का कंसेप्ट दिया था, उसमें मैंने आपको जो है डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में कहा था कि उनको हम सोर्स डाटा एंटर डिवाइसेस भी कहते हैं और उनको हम रीड भी करेंगे नेक्स्ट। तो आज उस टॉपिक को हम फिर रिपीट कर रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं, ये सवाल जो है ये भी सेम पॉइंटेड डिवाइसेस के ही तौर पर ही है, जिस तरह वो डिवाइसेस अलग अलग आपने पढ़ी थी इस तरह जो है सोर्स डाटा एंटर डिवाइसेस भी जो है वो हम सेपरेट इनको डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ये भी सेम उसी पैटर्न पे इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग भी बन सकता है कि वो ये आपसे पूछ सकता है पेपर में कि जनाब सोर्स डाटा डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, किसी दो पर, किसी तीन पर या किसी चार पर नोट लिखें। तो इसी तरह सेम अलग अलग भी आपको दो दो नंबर के तौर पे अलग भी पूछ सकता है। वैसे जो पेपर में मैंने इसकी प्रैक्टिस देखी है इस टॉपिक की, तो उसमें जो है वो ज़्यादातर वो सेपरेटली दो दो नंबर का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों से पेपर में पूछते हैं। तो सोर्स डाटा डिवाइसेस क्या चीज़ है, यूज टू फॉर डायरेक्ट एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी ऐसे डिवाइसेज जो कंप्यूटर में डायरेक्ट डाटा एंटर करें उनको हम सोर्स डाटा डिवाइसेज कहते हैं। दीज डिवाइसेज प्रोवाइड अ क्विक एंड एफिशिएंट वे टू एंटर या इनपुट डाटा। तो इन डिवाइसेज का बेनिफिट ये है कि ये एक तो क्विक और एफिशिएंट वे देती हैं कंप्यूटर में डाटा एंटर करने का। तो टाइप कौन कौन सी है इनमें, सबसे पहले आती है बार कोड रीडर, इसको हम UPC भी कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट देखी होंगी मार्केट में, उनकी बैक साइड पे एक वर्टिकल लाइंस होती हैं ब्लैक कलर में, वो अक्सर आपने देखी होंगी। जैसे आप अगर मोबाइल परचेज करते हैं तो मोबाइल का जो बॉक्स होता है इसकी बैक साइड पे आप देखें आपको एक जो है वो लाइन नजर आती हैं, जो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। तो यूपीसी कह लें इसको या बार कोडर कह लें, पेपर में इस तरह क्वेश्चन भी बना सकता है वो कि डिफाइन UPC, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना, UPC या बार कोडर एक ही चीज़ का नाम है। यूज टू लेजर बीम टू रीड बार कोड एंड ट्रांसलेट दैम इन टू द डिजिटल फॉर्म। तो बेसिकली बार कोड जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, वो बार कोड जो मैंने अभी बताया आपको कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट पर होता है उसको रीड करने के लिए इसमें लेज़र बीम इस्तेमाल होती है, जिसके थ्रू वो बार कोड को रीड करता है और उसको ट्रांसलेट करता है। बार कोड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड स्पेस ऑफ डिफरेंट विड्थ। तो अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस शेप में। मोस्टली फाउंड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये बात मैंने अभी आपको बताई कि ये जो है आमतौर पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर आपको बार कोड नजर आता है, इसको हम UPC भी कहते हैं। ये बेसिकली किस मकसद के लिए होता है, रिप्रेजेंट डाटा डैट आइडेंटिफाई मैनुफैक्चर एंड द आइटम। तो बेसिकली इसमें मैनुफैक्चरर और उस कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया होगा उसका आइटम का कोड जो है वो बार कोड में होता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये आपने मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट पे ये जो है बार कोड देखा होगा, जो मुख्तलिफ स्पेस पर और डिफरेंट जो है वो विड्थ पर लाइन्स पर मुश्तमिल होता है, और इसको रीड करने के लिए जो है इस तरह की डिवाइस जिसको बार कोड रीडर डिवाइस भी कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं इसमें ये लेज़र लाइट है जो इस बार कोड को रीड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक और डिवाइस है जो सोर्स डाटा एंटर डिवाइसेस है, उसका नाम है मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। उनमें आती है सबसे पहले MICR, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन रीडर। स्टूडेंट्स आप लोगों ने बैंक का चेक भी देखे होंगे, उसमें आमतौर पर आपने देखा होगा बैंक के चेक में, वो भी मैंने डायग्राम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई भी आप लोगों को, उसमें MICR करेक्टर जो है वो बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज इंक, यूज बाय बैंक फॉर चेक प्रोसेसिंग, बैंक जो है वो चेक को प्रोसेस करने के लिए MICR करेक्टर्स को यूज करते हैं। ईच चेक कंसिस्ट ऑफ MICR करेक्टर्स एट लोअर लेफ्ट एज, चेक जो है उसकी सबसे लास्ट में MICR करेक्टर दिए जाते हैं। दीज करेक्टर्स रिप्रेजेंट, अब ये करेक्टर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चेक नंबर को, बैंक नंबर को और अकाउंट नंबर को। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं ये चेक है, इस पर ये जो मैंने आपको बेटा बताया था अभी कि लेफ्ट लोअर एज के ऊपर
ये आपको जो है ब्लैक इंक से जो लिखे हुए डिजिट नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली MICR करेक्टर्स हैं, और इनको रीड करने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये करेक्टर्स हैं और ये मशीन है जो इन करेक्टर्स को रीड कर रही है और वो जो है उसको कन्वर्ट कर देती है बैंक नंबर में, अकाउंट नंबर में और चेक नंबर में। तो नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस थी वो हम उसको आगे मज़ीद इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको सोर्स डाटा डिवाइसेस की भी समझ आई होगी। पॉइंटिंग डिवाइसेस और सोर्स डाटा एंड डिवाइसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप लोगों ने इनको अच्छी तरीके से स्टडी करना है। बहुत आसान कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है, हमारी रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मज़ीद इनको डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।